नेहरू में मॉस्को की रुचि तब प्रखर हुई जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रॉज टीटो के साथ न केवल गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सूत्रधार बने, अभी तो 1955 में हुई बांडुंग कॉन्फ्रेंस में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के एक प्रतिनिधि के रूप में विख्यात हुए। भारत सोवियत संबंध का नया युग सोवियत प्रधान निकिता क्रुशव द्वारा भारत की आधिकारिक यात्राओं से प्रारंभ हुआ। वापस पहुंचकर क्रुशव ने अपने सभापति मंडल को भव्य तथा उत्साह के साथ हुए अपने स्वागत का वर्णन किया। साथ ही उन्होंने सोवियत प्रकाशनों एवं फिल्मों में भारतीय संस्कृति के आदिकालीन निरूपण की आलोचना भी की। क्रुशव यात्रा में केजीबी द्वारा प्राप्त इंटेलिजेंस तथा सुरक्षा प्रावधानों से पूर्णतया संतुष्ट थे। सोवियत के विरुद्ध पाकिस्तान पर अमेरिकी विश्वास ने भारत को यूएसएसआर की ओर मोड़ दिया। उस वर्ष हंगरी में चुनाव कराने तथा दमनकारी सोवियत सेना वापस बुलाने के लिए प्रस्तावित यूएन रेजोल्यूशन का समर्थन भारत ने नहीं किया। क्रेमलिन ने भारत द्वारा मिले समर्थन को विस्तृत महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का समर्थन सोवियत संघ को प्राप्त होने लगा। 60 के दशक में भारत तथा सोवियत संघ चीन में माओ की विचारधारा के विरुद्ध साथ आए। इस किताब में मित्रोखिन बताते हैं कि केजीबी कांग्रेस पार्टी में कृष्णा मेनन, जो 1957 में रक्षा मंत्री बने, उन्हें अपना मित्र बनाने में सफल रहा। मेनन सोवियत विदेशी मंत्री से एक मुलाकात में अंग्रेजों और साम्राज्यवादी विचारधारा के प्रति भारतीय जनता के हृदय में व्याप्त घृणा के विषय में बताते हैं। मई 1962 में सोवियत सभापति मंडल भारत में मेनन के स्थान को सुदृढ़ तथा लोकप्रिय बनाने हेतु नई दिल्ली में केजीबी रेजिडेंसी को अधिकृत अनुमति दे देते हैं, कृष्णा मेनन को नेहरू का उत्तराधिकारी बनाने की आशा में। रक्षा मंत्री के रूप में मेनन के कार्यकाल के अंतर्गत भारत के अस्त्र आयात का प्रमुख स्रोत पश्चिम से पलटकर सोवियत संघ हो जाता है। 1962 की गर्मियों में मेनन के प्रभाव से भारत ब्रिटिश लाइटनिंग विमानों के स्थान पर MiG-21 विमान क्रय करता है। नई दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमिश्नर द्वारा लंदन को मेनन के पश्चिमी विमानों की अपेक्षा मिग विमानों के पक्ष में गुप्त षड्यंत्र के सफल एवं कुशल निरूपण की व्याख्या की जाती है। अक्टूबर 1962 में मेनन का प्रभावी राजनैतिक जीवन भारत पर चीन के आक्रमण के साथ जगमगा जाता है। आक्रमण की शाम तक आक्रमण होने की संभावना को गंभीरता से लेने में विफलता के पश्चात मेनन स्वयं को भारत की तैयारी में कमी के कारण बलि के बकरे के स्थान पर पाते हैं। 1962 के इस युद्ध में घोर पराजय के बाद 31 अक्टूबर को नेहरू अनिच्छा से कृष्णा मेनन को पदच्युत कर देते हैं। 2 सप्ताह के बाद सभापति मंडल की ओर से केजीबी की रेजिडेंसी को मेनन का राजनैतिक जीवन पुनर्जीवित करने हेतु सक्रिय उपाय करने के निर्देश दिए जाते हैं, परंतु सभी प्रयास असफल सिद्ध होते हैं। मित्रोखिन बताते हैं कि मेनन का राजनैतिक जीवन पुनर्जीवित करने के लिए केजीबी भारत के एक बड़े समाचार पत्र को गुप्त रूप से वित्त पोषित भी करती है, जिससे वह समाचार पत्र मेनन के सफल राजनैतिक व्यक्तित्व को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करे। केजीबी ने 1967 के चुनावों के पहले भी समान उपाय किए जो सफल रहे थे। एक गुप्त संदेश भेजकर मेनन को सोवियत यूनियन के प्रति उनके सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। मेनन के भाग्योदय के लिए केजीबी ने आगे भी सहयोग किए। 2 साल बाद कम्युनिस्टों के सहयोग से उन्हें बंगाल चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजय भी प्राप्त हुई। 1974 में अपनी मृत्यु से पहले मेनन भारतीय राजनीति की एक प्रभावशाली वाणी पुनः नहीं बन सके। 1962 में मेनन के निष्कासित होने के बाद नेहरू सरकार में केजीबी का मित्र प्रत्याशी कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में मित्रोखिन ने क्या लिखा है, जानेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।